आज के इस वीडियो में हम लोग iPhone 14 Pro Max से फोटोग्राफी टेस्ट करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ मॉर्निंग का समय है और हल्का सनलाइट भी है और इधर पेड़ों के बीच शेडो भी है। तो इन्हीं के बीच में आज iPhone 14 Pro Max से फोटो सैंपल्स लेंगे और आपको शो करेंगे। तो इस फ़ोन में आपको तीन कैमरा मिल जाता है, जिसमें टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड और वाइड, तीन यहाँ पे कैमरा मिलता है। वाइड आपको 48 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का और टेलीफोटो लेंस 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो चलिए हम इन्हीं सबसे फोटोज टेस्ट करते हैं, जिसमें हम इसका पोर्ट्रेट फोटो भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम फोटो शूट करने जाते हैं या वीडियो शूट, तो उससे पहले हमें लेंस को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, ताकि जो फोटोज और वीडियोज हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएँ। तो यहाँ पर हम 1x पे फोटो क्लिक करने जा रहे हैं और हमारे मॉडल भैया सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो फ़ोटो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आता है इसमें। और ये रहा हमारा 1x पे पोर्ट्रेट शॉट। तो चलिए यहाँ पे हम अपने कैमरा को 2x पे शिफ्ट कर लेते हैं और इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा होता है, उसी को क्रॉप करके ये फ़ोन 2x पे फोटो लेता है। और ये रहा हमारा 2x पे पोर्ट्रेट शॉट। आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड किस तरीके से मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने कैमरा को 3x पे शिफ्ट कर चुके हैं और यहाँ पे चलिए हम एक फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं पीछे की ओर सनलाइट था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को मैनेज किया है। और यहाँ पे चलिए हम 3x पे पोर्ट्रेट फोटो भी ले लेते हैं। तो इस पोर्ट्रेट फोटो में आप देख सकते हैं क्लियरली जो पास का ऑब्जेक्ट है उसको फोकस में लिया हुआ है और जो दूर का ऑब्जेक्ट है काफ़ी अच्छे से ब्लर किया है। तो यहाँ पे हम अपने कैमरा को 0.5x पे शिफ्ट कर चुके हैं और यहाँ पे चलिए हम एक मॉडल का अपने फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो 0.5x से आप देख सकते हैं कि हम कितने मॉडल के क्लोज जा चुके हैं। और 0.5x में कोई भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम एक मैक्रो फोटो लेते हैं। तो जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है उसी का यूज करके आईफोन 14 प्रो मैक्स मैक्रो फोटो लेता है। तो चलिए हम ये ऑब्जेक्ट है देखते हैं इसके कितना क्लोज तक जाके फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मॉडल सामने की ओर खड़ा है और हम 0.5x से लेके 15x तक फ़ोटो लेकर आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया 0.5x, उसके बाद ये हो गया 1x, फिर 2x, उसके बाद ये 3x, जो कि आपको 3x का यहाँ पे सेंसर एक तो मिल जाता है। उसके बाद ये हमने लिया 5x, 5x के बाद हम ले लेते हैं फ़ोटो 10x, उसके बाद ये फाइनल 15x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मॉडल के पीछे से सनलाइट आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि जो पीछे से सनलाइट आ रहा है उसके किस तरह से जो हमारा मॉडल है उसका फेस को मैनेज करता है। तो यहाँ पे 0.5x पे हमने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया, उसके बाद 1x पे, और उसके बाद ये है 2x, ये 3x, और उसके बाद हम 5x पे ले लेते हैं, उसके बाद ये 10x, उसके बाद ये 15x। तो यहाँ पे चलिए हम आईफोन 14 प्रो मैक्स का एक बार जूमिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो सामने वहाँ गेट पे कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे आंखों की नज़रों से भी नहीं पता चल रहा है। तो चलिए एक बार उसको हम जूम करके फ़ोटो क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे असल में क्या लिखा हुआ है। तो ये हमने 15x पर जूम होता है तो हमने जूम कर लिया और इसके बाद क्लिक करते हैं एक फ़ोटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स में थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेता है जूम का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लियर जो सैंपल आप लिए होते हैं उसको शो करता है। तो यहाँ पे 349A जो कि गेट का नंबर है और वहाँ पे वी नंदी लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट कैमरा को ऑन कर लिया है और फ्रंट कैमरा से किस तरह से फ़ोटो निकल कर आता है, यहाँ पे हमने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। यहाँ पे वाइड और अल्ट्रा वाइड दोनों का ऑप्शन फ्रंट कैमरा में भी मिल जाता है। तो ये है वाइड और ये है अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की ओर से सनलाइट आ रहा है और सनलाइट के मौजूदगी में हम लोग फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लेते हैं और देखते हैं कि जो फ़ोटो का एक्सपोजर है वो किस तरह से मैनेज करता है। तो यहाँ पे हमने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं जब सन पीछे की ओर रहता है तो आईफोन 14 प्रो मैक्स फेस को किस तरह से मैनेज करता है। और यहाँ पे हमने अलग से भी कुछ फ़ोटो सैंपल्स ले लिए हैं जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के 3x पोर्ट्रेट मोड से लिए गए हैं और ये फ़ोटोज आपको कुछ कुछ DSLR जैसे भी लग सकते हैं।
तो यहाँ पे आप सभी को iPhone 14 Pro Max का फोटो सैंपल्स कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।